नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडल्या। करनाल के घोगड़ीपुर पुल के पास स्थित पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट होने से 4 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। चौथे की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की लेंटर व दीवारें बुरी तरह ध्वस्त हो गई। मौके पर 3 से 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलाई गई, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आग में जले हुए लोगों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर राकेश जिंदल ने बताया कि सभी जले हुए व्यक्ति लगभग 100% के करीब जले हुए हैं और उन्हें गंभीर हालत में यहां लाया गया है। इस धमाके के बारे में फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता घायलों को तुरंत इलाज दिलवाना है, क्योंकि उनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। बताते चले कि करनाल के घोगड़ीपुर पुल के पास स्थित पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से 4 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। चौथे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्लास्ट काफी था जी। कितने धमाके हुए? एक तो बहुत ज्यादा हुआ जी, एक थोड़ा कम था जी। तो कितने काम करते हैं यहाँ पर लोग? ये नहीं पता जी। तो किस चीज का काम है होता है? पटाखा से। तो काफी ब्लास्ट हुआ, घायल कहाँ है? हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट है। लोग जिनसे राजी लोग थे, उन्होंने बताया बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। घायल कितने हुए हैं? मारे को तो 3-4 बंदे बताए हैं, उनको चोट लगी, उनको लेके गया मालिक। हुआ यहाँ पे हुआ कहाँ पर है? ये गोगड़ी पर यार, जो ये पूरा है क्या नाम, कुल के फ्लाईओवर के बीच में पोल्ट्री फार्म के पास। तो लगता कैसे, क्यों हुआ होगा? अच्छा जी, अच्छा जी, देखो जी यहाँ पे ब्लास्ट का काम है, पटाखे का काम है, बारूद का काम है, बारूद मेरे क्या। तो बड़े ब्लास्ट हुए हैं? हाँ, तो बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जब दीवार दूर सब गई है। कितनी गाड़ियाँ आई आपकी? 4 गाड़ियाँ। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार। थे रूम में अंदर, तो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन सबसे पहले ये काम था, हमकी जान बचे, हम तो इसीलिए डॉक्टर साहब के यहाँ लेके आए हैं जी। 3 लोग हैं सर? हाँ जी। तो कर्मचारी हैं क्या, काम करते थे? कर्मचारी हैं जी। तीनों जेंट्स हैं? हाँ जी। तो क्या काम कर रहता था इनका सर वहाँ? काम तो फैक्ट्री में ही रहता है जी, जैसे माल बनाते हैं जी, जो भी अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन होती है। काफ़ी बन है वो? हाँ जी, देखो बन तो है, डॉक्टर साहब ने बताया अभी आपको जी। आपका नाम सर? राकेश। तो काफ़ी ज़्यादा बन है, नियरली 100% बन है तीनों मरीजों को। कंडीशन सीरियस है, इमीडिएटली आ गए हैं मेरे पास। आई हैव स्टार्टेड द ट्रीटमेंट नाउ। रेस्ट इज बर्निंग 100% है? बर्निंग 100% है। तो इस समय हालत कैसी है जी? सीरियस है जी। हाँ जी। आपका नाम सर? राकेश जिंदल। तो आप देख ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।